देखो यार, स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट सुपर हीरो है एंड ऑनेस्टली अब तक मैंने इसकी सारी मूवी देखी है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन 2, 3, अमेजिंग स्पाइडरमैन, होमकमिंग, फार फ्रॉम होम एंड नो वे होम। सो लास्ट टाइम जब नो वे होम रिलीज हुई थी, मैंने स्पाइडरमैन के टॉप एंड्रॉइड गेम्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो सच में बहुत जबरदस्त वीडियो है वो, मे बी तुमने देखी भी होगी। लेकिन भैया जी, वो वीडियो पुरानी हो गई है, क्योंकि इस बार मैं 5 नहीं स्पाइडरमैन के 10 माइंड ब्लोइंग गेम लेकर आया हूँ, वो भी सिर्फ स्वयं भी के अंदर। डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग गेम्स है, बिकॉज ओपन वर्ल्ड होने के साथ मूवी की तरह गेट स्टोरी लाइन है एंड ग्राफिक्स क्वालिटी भी भाई मैं बोलूंगा कि इस साइज के अंदर बेस्ट मिलेगी। एंड नाउ आज का पहला माइंड ब्लोइंग गेम होने वाला है ब्लू निंजा। वेल, कॉपीराइट के चक्कर में स्पाइडरमैन की जगह गेम को ब्लू निंजा का नाम दिया है, तो मस्त गेम है रे बाबा। सिटी के अंदर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो उसको खत्म करने का जिम्मा उठाया ब्लू निंजा ने। कटाना जैसा वेपन होने के साथ लगता है स्पाइडरमैन की तरह शायद इसको भी किसी मकड़ी ने काट लिया था, क्योंकि इसके पास भी स्पाइडरमैन जैसी पावर है। इस बेहतरीन ओपन वर्ल्ड सिटी के अंदर घूमते हुए तुम्हें क्रिमिनल्स को रोकना है, कार की चोरी, क्रिमिनल्स की बैंड बजाना जैसे मिशन है एंड ऊपर से काफी सारी कॉस्ट्यूम भी देखने को मिल जाएगी। वेल, गेम में बस एक बढ़िया सी स्टोरी लाइन की कमी है, बट डोंट वरी, उसके लिए आज का हमारा अगला गेम है स्पाइडरमैन निंटेंडो 64 वर्जन। हम सबको ला चुका है स्पाइडरमैन का एंड उसने स्पाइडरमैन का नाम खराब कर दिया है, क्योंकि वो क्रिमिनल जैसी हरकतें कर रहा है, लाइक चोरी करना, लोगों को परेशान करना एंड बिकॉज ऑफ दैट अब स्पाइडरमैन को हर कोई हेट कर रहा है। तो अपने रियल स्पाइडरमैन को डोपलगैंगर का पता लगाना है एंड इतनी प्रॉब्लम क्या कम थी कि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल तो बन ही गया। तो डोपलगैंगर पकड़ने के साथ न्यूयॉर्क सिटी में नए क्रिमिनल्स आ गए हैं। वेल, अपने लिए नए नहीं है, हमने तो मूवी देखी हुई है, तो डॉक्टर ऑक्टोपस, वेनम एंड क्रेन जैसे विलन्स को भी रोकना होगा। वेल, गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी हालांकि इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो काफी पुराना गेम है, 2000 में आया था, स्पाइडरमैन की पहली मूवी आने से भी पहले। तब तो यार गेम बहुत ही बढ़िया था, बट आज भी तुम अपने स्मार्टफोन में से प्ले कर सकते हो। एंड आज का हमारा अगला गेम स्पाइडरमैन का एक फैन मेड गेम है, जिसको डेवलप किया है गेम ऑन बजट ने। बेसिकली गाइस, ये बंदा फैन मेड गेम बनाने में काफी माहिर है, इसने GTA 4, GTA 5, यहाँ तक कि GTA 6 के भी काफी सारे फैन मेड गेम बनाए हैं। तो स्पाइडरमैन का फैन मेड गेम बनाने में कहाँ पीछे रहने वाला था, इसमें दिखाया हुआ है कि स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग के ऊपर एनिमीज के मजे ले रहा है। सो 2 मिनट में जितने हो सके उतने एनिमीज की तुम्हें बैंड बजानी है। सो इस वाले फैन मेड गेम का पर्पस ये दिखाना है कि अगर कभी फ्यूचर में स्पाइडरमैन का कोई नया ऑफिशियल एंड्रॉइड गेम बनता है, तो उसमें फाइटिंग स्टाइल कैसा हो सकता है। स्पाइडरमैन Shattered Dimension. Alright guys, ये वाला गेम काफी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लाइक PlayStation, Microsoft Windows, Xbox एंड Nintendo. Well, सबसे अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी तो देखो इसके PlayStation 3 वर्जन की है, बट मजे की बात तो ये है कि Nintendo वर्जन भाई साहब सिर्फ 50 MB का है। देखो ग्राफिक्स क्वालिटी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, हंसी आ रही है मुझे, बट काफी पुराना गेम भी है यार ये, तो आज के गेम से मुकाबले से कंपेयर करना सही नहीं होगा। लेकर के देखना, तुम्हें पता चलेगा कि आज के गेम के मुकाबले पहले के गेम कैसे हुआ करते थे। स्टार्टिंग में यार, जब स्पाइडरमैन मिस्टीरियो से ऑर्डर एंड केस नाम की टैबलेट छीनने के लिए फाइट कर रहा होता है, तो वो टूट जाती है एंड बेसिकली उसकी वजह से डिफरेंट टाइप के पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो गया, लाइक नो वे होम मूवी में नहीं था तो कुछ वैसा ही मान लो। सो पैरेलल यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के साथ तुम लोग प्ले करने वाले हो एंड मजा आया गेम को प्ले करने में। अगर 50 MB में तुम गेम का मजा लेना हो तो निंटेंडो एंड डिस्क का वर्जन डाउन कर लेना, एंड अगर इसका हाई ग्राफिक वर्जन प्ले करना हो तो तुम VROM डाउन कर सकते हो, बट उसका साइज ज्यादा होगा, बट ग्राफिक्स क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। वेल, ऐसा हमारे लिस्ट के अगले 2 गेम के साथ भी है, स्पाइडरमैन 2 एंड 3। दोनों ही गेम स्पाइडरमैन की मूवी के ऊपर है एंड इनके भी डिफरेंट कंसोल वर्जन है, लाइक निंटेंडो NDS वर्जन। शैटर्ड डायमेंशन जैसे गेम प्ले है, एक्शन प्लेटफॉर्म रनिंग, बाकी गेम प्ले तुम्हारे सामने ही है। एंड एक टिप देता हूँ, स्पाइडरमैन 2, 3, फ्रेंड एंड फो, वेब ऑफ शैडोज, एज ऑफ टाइम, शैटर डायमेंशन एंड बैटल फॉर न्यूयॉर्क, ये सभी स्पाइडरमैन के वो गेम है जिनका निंटेंडो वर्जन भी अवेलेबल है। कहोगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये सभी गेम तुम डाउन करके प्ले करो, साइज स्वयं भी से कम ही होगा एंड गेम पे तो तुम लोगों ने देख ही लिया है। वैसे तो प्ले स्टोर पे स्पाइडरमैन के कई गेम्स है, लेकिन कुछ गेम तो ऐसे है जो बिल्कुल ही छिपे बैठे, उनको खोद के निकालना पड़ता है। वैसे ही हमारा आज का अगला गेम है स्पाइडर स्विंगर, फैन मेड गेम बोलूंगा इसे भी मैं,
जिसमें ओपन वर्ल्ड है एंड खेलने के लिए 5 मिशन है। तुम लोग आराम से घूम रहे हो एंड जैसे तुम लोग मिशन स्टार्ट करोगे तो तुम लोग देखते हो कि बिल्डिंग्स के ऊपर एनिमीज है, तो बस तुम्हें उनके साथ मारा पिटी करनी है एंड उनकी बैंड बजानी है। वैसे तो यार डेवलपर के हिसाब से अलग गेम अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो देखना होगा इस गेम में क्या क्या ऐड किया जाता है, क्या स्पाइडरमैन की रियल कॉस्ट्यूम आएगी। वैसे तो मुश्किल है क्योंकि ये फैन मेड गेम है, तो कॉपीराइट के चक्कर में ये मुश्किल रहता है। एंड क्या गेम में और अच्छे मिशन ऐड करे जाएंगे, वेल दिलचस्प होगा देखना। नंबर 8 पे स्पाइडर हीरो 2। पिछली बार तुमको स्पाइडर हीरो गेम के बारे में बताया था, सो वो गेम इतना बढ़िया है कि मुझे मालूम था कि स्पाइडर हीरो 2 तो आने वाला है। ये जो तुम जवान लौंडा देख रहे हो, इसके पास स्पाइडरमैन की पावर है, सो लगा पड़ा ये इस फाइटिंग गेम के अंदर एनिमी की बैंड बजाने में। हालांकि हल्क आयरन मैन जैसे सुपर हीरो भी है, लेकिन भाई मेरे को शायद खेल में ज्यादा मजा आ रहा है। तो खेलते खेलते स्पाइडरमैन की पावर अनलॉक करनी है एंड हल्क यार इसमें इतना बढ़िया दिखाया हुआ है कि भाई खेल देखना एक नंबर बजाएगा। वेल लेवल बेस्ड गेम है ये, जिसके एंड बहुत से फाइट करी जाएगी, सो प्रिपेयर होकर जाना जंगल लड़ने। एंड लगे हाथों तो स्पाइडर हीरो का भी गेम प्ले देख लो, बाय चांस अगर अब तक प्ले नहीं किया है ना तो इसको डाउनलोड कर लेना। द अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड इसका पार्ट 2, ये इतने माइंड ब्लोइंग गेम है, बट पे सोर्सिंग को हटा दिया गया है एंड ऐसे स्पाइडरमैन अल्टीमेट पावर गेम के साथ भी हुआ। ना जाने इस तरह में गेम को मैं कितनी बार प्ले कर चुका हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं भरा है, बिकॉज मैं हमेशा से बीट द मैप टाइप गेम का फैन रहा हूँ, जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस भागते रहो एंड लात घुसे चलाओ। तो समझ गए ना मैं क्या कहने वाला हूँ। कुछ ऐसा ही गेम है ये, जिसके अंदर स्पाइडरमैन को छोटे छोटे मिशन कम्प्लीट करने एंड उनमें तुम्हें भागते एनिमी की बैंड बजानी है। एंड इसी के साथ अब बारी है स्पाइडरमैन के एक बोनस गेम की। जैसे यार आर यूजर ने एंड गेम ऑन बजट ने स्पाइडरमैन के फैन मेड गेम बनाई है, वैसे यार एक डेवलपर और है नैंडाई गेम्स। सो इसका भी स्पाइडरमैन का फैन मेड गेम काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। सबसे अच्छी बात यार इसमें रियल स्पाइडरमैन है एंड घूमने के लिए काफी अच्छी सिटी है। वेल देखो गेम में आपको ज्यादा मिशन देखने को नहीं मिलेंगे, एक छोटा सा मिशन है जिसमें तुम लोगों को सिटी के अंदर घूमते रहना है एंड चेक पॉइंट कम्प्लीट करने है। तो इस वाले फैन मेड गेम को भी एक बार ट्राई करा जा सकता है। लिस्ट की एंडिंग यार हम लोग स्पाइडरमैन के ओपन वर्ल्ड गेम के साथ करेंगे। अरे अरे थोड़ी सी गलती होगी, एक नहीं बल्कि 3 गेम है, रोप हीरो वाइस टाउन, रोप हीरो माफिया सिटी एंड रियल गैंगस्टर क्राइम। ये कुछ ऐसे बेहतरीन ओपन वर्ल्ड गेम है जिनमें यार तुम लोगों को स्पाइडरमैन के साथ GTA 5 गेम खेलने का मजा मिलने वाला है। अरे अरे बता तो समझो, इस गेम में जो कैरेक्टर दिखाया हुआ है ना, बेसिकली उसके पास स्पाइडरमैन जैसी पावर होती है एंड जैसे गेम में ओपन वर्ल्ड है, आप लोग कहे कि भाई हाँ मैं GTA 5 गेम को प्ले कर रहा हूँ, तो इन गेम को खेलने का मतलब है कि भाई तुम लोगों को दोनों गेम का मजा एक साथ मिलना है। तो चॉइस तुम्हारी है, आराम से घूमो सिटी के अंदर, क्रिमिनल्स की बैंड बजाओ, मन कर तो गेम के मिशन कंप्लीट करो, नहीं बाबा नहीं हमें मिशन कंप्लीट करना मजा नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं यार बहुत बड़ी सिटी है, आराम से अपनी कार में बैठ के भागो, नहीं तो तुम्हारा स्पाइडरमैन की पावर है तो दीवार पे चिपकते चिपकते जाओ। मेरा काम पूरा हो गया है, मैंने तुम लोगों को 10 नहीं बल्कि 13-14 गेम बता दिए स्पाइडरमैन के, जिनका साइज स्वयं भी का एग्जैक्ट स्वयं भी नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। एंड अब आपकी बारी है, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दो एंड यार मेरा सपना है कि मेरे को अपने यूट्यूब चैनल के 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो अगर आप लोग मेरा साथ देना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दो, इससे अगली बार जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। मन करे तो देख लेना, वरना कोई दिक्कत हो ना, जब भी कोई नया नोट गेम खेलने का मन करे तो भाई के चैनल को चेक कर लेना। सो अमीर तुम लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जिसमें फिर से कुछ जबरदस्त एंड्रॉइड गेम की बात करी जाएगी। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय।